दोस्तों बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो लोग डिलीट किए हुए हैं, जो लोग नुमाइश से डिलीट किए हुए हैं, क्या वो लोग बीडेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या वो लोग बिहार में आने वाले शिक्षक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो सारी बातें को इस वीडियो में बताया गया है ऑफिशियल, तो ध्यान लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बिहार में आने वाली हर गवर्नमेंट फॉर्म से अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से बने रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ईटीवी खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि एनआईओएस से डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर के लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या उन्हें प्राइमरी शिक्षकों के जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। ईटीवी ने खबर दिखाई थी कि बिहार सरकार इस डिग्री को मान्यता नहीं देती और इस खबर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब आखिरकार आपको दिखाएंगे ये पत्र जारी हुआ है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से और ये पत्र 29 अगस्त के डेट में भेजा गया है एनसीटीई को, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन को, और उसमें ये पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है कि क्या इस डिग्री को मान्यता दी जाए, क्योंकि इस डिग्री को करने वाले करीब 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं जो इस नियोजन प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, जो बिहार में नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसमें वो भाग लेंगे कि नहीं। मार्गदर्शन मांगा है एनसीटीई से और ये पूछा है कि क्या इस डिग्री को बिहार सरकार जो डीएलएड कराती है क्या उस डिग्री के समकक्ष माना जाए, एनसीटीई का क्या मार्गदर्शन मिलता है, उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई होगी और तब ये निर्णय होगा कि एनआईओ से डीएलएड करने वाले छात्र भी क्या बिहार सरकार के जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों में, उसमें वे भाग ले सकेंगे कि नहीं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हम लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आज भी हमारी बात हुई थी अपर मुख्य सचिव से, इसको ज़्यादा तुल देने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकाल रहे हैं।